पठान फिल्म को लेकर हुए बड़े खुलासे। एक्शन के मामले में शाहरुख की टक्कर में होगी दीपिका पादुकोण। रोमांटिक बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान को बड़े पर्दे पर देखने के लिए दर्शक बेहद ही एक्साइटेड हैं। और आप सब तो जानते ही होंगे कि इन दिनों शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म पठान को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान फुल एक्शन अवतार में नजर आएंगे और उनका यही अवतार देखने के लिए फैंस को रहा नहीं जा रहा है। लेकिन आज हम पठान फिल्म से जुड़ी एक बड़ी खबर आपके लिए लाए हैं। पहले हम आपको बता दें कि फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण लीड रोलों में देखने को मिलेंगे। वहीं फिल्म में एंटागोनिस्ट के किरदार में जॉन इब्राहिम नजर आएंगे। फिल्म में सलमान खान का एक कैमियो भी रखा गया है। जैसे कि ये फिल्म फुल एक्शन से भरपूर है और इस फिल्म में न सिर्फ शाहरुख अपना एक्शन करते नजर आएंगे बल्कि फिल्म में दीपिका पादुकोण का भी एक्शन देखने को मिलेगा। पठान फिल्म में जिस लेवल का एक्शन रखा गया है वो हॉलीवुड फिल्मों को मात दे सकता है। हाई बजट में बनी पठान फिल्म शाहरुख की एक दिलचस्प फिल्म रहने वाली है और इसी फिल्म से जुड़ी खूबसूरत अदाकारा दीपिका पादुकोण को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। खबर है कि फिल्म में दीपिका एक्शन के मामले में शाहरुख को जबरदस्त टक्कर देती दिखेंगी। दीपिका ने फिल्म में बिना बॉडी डबल का सहारा लिए एक्शन करने का फैसला किया है। दीपिका पठान में हाई ऑक्टेन एक्शन करती दिखेंगी। हालांकि ऐसा वो अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही करती आ रही हैं। दीपिका एक्शन करने में माहिर है। एक्टिंग के साथ साथ उनका एक्शन अवतार भी दर्शकों को खूब भाता है। खास बात यह है कि वो स्टंट करते हुए बॉडी डबल का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करती। अब ऐसा ही कुछ दीपिका पठान के लिए करने जा रही हैं। फिल्म में वो खतरनाक और जोखिम भरे स्टंट भी खुद ही करेंगी। आदित्य चोपड़ा ने फैसला किया है कि वो इसे शाहरुख और दीपिका की बेस्ट एक्शन फिल्म बनाने की तैयारी में है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ भी इस फिल्म के शानदार एक्शन दृश्यों के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये खबर? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं।